जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं आप लोगों के साथ अभी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। जी स्क्रीन विजिबल है, अब आप लोगों के साथ मुझे ज़रा बताइएगा। जिनका अटेंडेंस इशू है वो मैंने फॉर्म का लिंक साथ अटैच किया हुआ है, आप उसको अगेन चेक कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा वहाँ पे जो भी अटेंडेंस का आपने करना है उसके मुताबिक इसको लगा लीजिएगा। फिर भी होगा तो आप हमारे लैब में जो भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, वो खुद ही इसको देख लेंगे। अच्छा ये कुछ पेंडिंग पोस्ट हैं जिनको मैं जस्ट अप्रूव कर रहा हूँ, ठीक है, फिर इनके फीडबैक भी आपको दे दूंगा। ये बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया है मुनीबर रहमान, शाबाश। अगर ये आपका अटेंडेंस फॉर्म काम नहीं कर का रहा तो हमारे जो लैब मैनेजर हैं वो खुद ही आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं। अच्छा अब थोड़ा सा हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, फिर इसकी तरफ आऊँगा।
अटेंडेंस के मैंने ये बोला है कि हमारे जो लैब मैनेजर हैं वो खुद ही इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या मसला आ रहा है। मुझे भी जो लिंक दिया गया है मैं उसी को यूज़ कर रहा होता हूँ, ठीक है। उन्होंने इसको एक्टिव करना होगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वो खुद ही आपको बता देंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। ओके, ये हमारा लास्ट डे वर्क था जिसे हम कर रहे थे, ये यहाँ पे लोड हो गया है। और मुझे अब ये बताइएगा कि टेक्स्ट से रेलिवेंट, ठीक है, फ़ॉन्ट से रेलिवेंट, फॉन्ट टेक्स्ट से रेलिवेंट, ठीक है, कि कब कौन सा फॉन्ट यूज करना चाहिए, इस बात को जरा गौर से सुनिएगा। अगर मैं आपको ये कहता हूं कि एक फैशन से रेलिवेंट, ठीक है, किसी क्लोथिंग ब्रांड से रेलिवेंट, वो ही हम डिस्कस करने लगे हैं। मैं यहाँ से स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ, आप इसको गौर से सुनिएगा। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि किसी क्लोथिंग ब्रांड से रेलिवेंट या फैशन से रेलिवेंट हमने एक वेबसाइट डिज़ाइन करनी है या कोई पोस्ट डिज़ाइन करनी है, तो किस तरह का फॉन्ट होगा बताइएगा मुझे। अच्छा, सुमायरा रियासत, पहले नंबर पे किसी स्टूडेंट के पास रिकॉर्डिंग नहीं है ना ही इसका लो है, अगर कुछ ऐसा पता भी चला गया तो वो प्रोग्राम की तरफ से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। नंबर टू बात जो मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर किसी स्टूडेंट का कोई लेक्चर मिस हो जाता है, एक तो उसकी अपनी मिस्टेक है, ठीक है, जो उसने की है, दूसरा ये कह रहा हूँ कि इसको साथ साथ आप सुनोगे समझोगे आपका कवर हो जाएगा, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है, चीज़ें ऑटोमेटिकली रिपीट होती हैं, समझे। मसलन किसी से कोई फिग्मा का कोई चीज मिस हो गया या कुछ उसको बनाना नहीं आ रहा, तो ये भी रिपीट हो जाएगा खुद ब खुद, क्योंकि अभी वेबसाइट डिजाइन कर रहा हूँ, जब मोबाइल डिजाइन करूंगा फिर सारी चीजें रिपीट होंगी। अगर किसी को फिग्मा की समझ नहीं आई तो उसके बाद एक्सटी आ जाएगा, अडोब एक्सटी सॉफ्टवेयर, उसके अंदर भी उसके अपने थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन उसके अंदर भी काम करने का तरीका है, तो ये जहन में ना रखें। और बार बार एक चीज़ बताइए, रिकॉर्डिंग नहीं करनी, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ, लास्ट टाइम भी ऐसा हो गया था कि एक दो स्टूडेंट ने किया था और उसकी वजह से 15 स्टूडेंट्स रिमूव हो गए थे, ठीक है, वो अपनी हरकत की वजह से हुए थे, कैसे उनको बार बार मना किया गया था कि ये काम नहीं करना नहीं करना, जैसे आज मैं कह रहा हूँ कि नहीं करना और कल कल मेरे ही मुझ तक ये लिंक पहुँचे कि सर ये लें ये है आपके लेक्चर्स ये हैं, तो उसमें मैं कुछ नहीं करता, वो जस्ट मैनेजमेंट खुद ही उनको निकाल देती है, ठीक है। फिर कह रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट जिसका कोई भी टॉपिक मिस हो गया है उसने परेशान नहीं होना, ठीक है, वो किसी दिन कह सकता है कि सर ये मेरा पॉइंट मिस था, इसको रिपीट कर दे, रिपीट हो जाएगा। अब जो कह रहा हूँ इसको सुनो, ठीक है। अडोब एक्सटी इटसेल्फ सॉफ्टवेयर है सफिया, जब करेंगे आपको मैं 2-3 दिन पहले बता दूंगा, फ्री में आपने कर लेना है इंस्टॉल, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब बात गौर से सुने, मैंने ये पूछा कि कोई फैशन से रेलिवेंट वेबसाइट है, तो आपने कह दिया, किसी ने कह दिया सैंस सेरिफ, किसी ने कह दिया सेरिफ, किसी ने कह दिया पॉप इन बोल्ड रेगुलर एंड कंडेंस्ड एंड गोथिम एंड हेलवेटी का फॉन्ट यूज करेंगे, ठीक है, ओके। अगर मैं कोई एक वेबसाइट या कोई एक डिजाइन बना रहा हूँ, ठीक है, जो कोई प्रोडक्ट है उसके अंदर,
जिम से रेलिवेंट, बॉडी बिल्डिंग से रेलिवेंट, ठीक है, वेट मास गेन से रेलिवेंट कंटेंट ऐड करना है, तो किस तरह का फॉन्ट यूज होगा बताइएगा। अगर कोई एक वेबसाइट है जिसके अंदर आपने जिम से रेलिवेंट, फिटनेस से रेलिवेंट, बॉडी बिल्डिंग से रेलिवेंट, तो किस तरह का फॉन्ट यूज करेंगे? सही हो। बाकी स्टूडेंट क्लास के अंदर 111 लाइव्स हैं और मुझे कमेंट सिर्फ 4-5 के नजर आ रहे हैं। ये दो चार नाम तो मुझे वैसे ही याद हो गए हैं कि जिशान है, सफिया है, ये मरियम है और मलिक हसान है। मतलब 4-5 स्टूडेंट्स ही हैं क्लास में, बाकी पता नहीं वैसे ही है। अच्छा यहाँ पे ना एक बात गौर से सुनिएगा, आपने ये जो नाम बता रहे हैं ना, सर पॉपिंग यूज कर लें ठीक है, या कोई और इस तरह से यूज कर ले, बोल्ड सैन सेरिफ यूज कर ले, आपने इन चीजों को याद नहीं रखना। आपने जो चीज नोट करनी है, जो जहन में रखनी चाहिए, वो एक लॉजिक क्या है, कब कौन सा फॉन्ट यूज होता है। लॉजिक तो ये होना चाहिए, पता ये होना चाहिए कि किस केस में कौन सा फॉन्ट यूज करना है, ठीक है। क्लाइंट की हर केस में डिमांड का कोई क्लाइंट को खुद नहीं आइडिया होता, ठीक है, क्लाइंट को हमेशा खुद भी एजुकेट या गाइड करना होता है, समझे। ओके अब एक बात गौर से सुनो, यहां से मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। अभी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, अटेंडेंस बेशक आपने लगा लीजिएगा। क्लाइंट को हर बार हर केस में थोड़ी पता होता है कि क्लाइंट बता दे, क्लाइंट हर केस में क्या बता सकता है, ठीक है। क्लाइंट तो सिर्फ अपने इंटरेस्ट शो करवा सकता है, लेकिन क्लाइंट को आपको एक चीज दिखाओगे, वो कहेगा ये बहुत अच्छा डिजाइन है, लेकिन आई थिंक देर शुड बी समथिंग चेंज, नीड इम्प्रूवमेंट्स। अब कौन सी इम्प्रूवमेंट्स हैं उसको खुद नहीं पता, वो कह रहा है कि बहुत अच्छा बना दिया लेकिन कुछ इम्प्रूव करो, ठीक है। अब ये देखो मैंने गूगल के ऊपर लिख दिया जिम वेबसाइट डिजाइन या फिटनेस वेबसाइट डिजाइन, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक चीज नोट करनी है के जो मेजर इसके अंदर जो मेन टेक्स्ट होगा, जैसे कि ये लिखा आ रहा है स्टार्क्स फिटनेस, सारा नहीं मैं कह रहा, ओवरऑल ये जो लिखा आ रहा है कार्डियो एक्सरसाइज, यहाँ पे किसी जगह पे मैप्स लिखा आ रहा है ये वाले, ठीक है, क्रॉसफिट, ये बड़ा सा करके इसने जिम लिखा हुआ है, अब मेरी एक बात गौर से सुने। अब आपने मुझे ये बताना है कि आपको देखिए ये मैंने इंटरनेट के ऊपर एक लाइव चीज दिखा रहा हूँ ना, मसलन खुद से तो नहीं, ये जिम लिखा आ रहा है, ये बोल्ड है, मसलन ये कार्डियो एक्सरसाइज लिखा है, क्रॉसफिट लिखा है, ये पर्सनल ट्रेनर लिखा है, ये जिम, ये बॉडी शेप्स, ये बड़ा सा करके ये टेक्स्ट लिखा आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला मेक योर बॉडी शेप, ये फॉन्ट बोल्ड क्यों यूज किए गए हैं, ये फॉन्ट इस तरह से क्यों यूज किए गए हैं, मुझे ये बताएं, जो मेरा सुनना चाह रहा हूँ, जो चीज आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ या आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये फॉन्ट्स, आप लोगों ने बोला कि सर बोल्ड फॉन्ट यूज होंगे, आपने आपने बोला कि बोल्ड फॉन्ट्स होंगे मान लिया, लेकिन बोल्ड फॉन्ट्स क्यों यूज किए गए होता है, समझ लगी है बात की जो मैं पूछना चाह रहा था, शाबाश।
जी जी बोलते हैं, अपना फीडबैक देते जाएं। शाबाश। अच्छा, ऐनी तमीर कह रही हैं टू अट्रैक्ट ऑडियंस, ऑडियंस तो वैसे भी अट्रैक्ट हो जाएगी, थिन फॉन्ट यूज कर लो। मेन पॉइंट जो आप है उस ऐप है उसको यूज के लिए नहीं, बिल्कुल स्ट्रेंथ। ओके फोकस के लिए। ब्रांडिंग के लिए आई थिंक इट्स अ टाइटल। नहीं, सुनिएगा सुनिएगा मेरी बात, आप गौर से सुनिएगा। देखो चलो इसको एज इट इज रहने दो। आपने कहा जी फोकस करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है, इस चीज को कॉपी किया। यहाँ पे हम लिख देते हैं फैशन, मतलब कोई भी वेबसाइट डिजाइनिंग, ई कॉमर्स हो सकता है या कुछ भी इस तरह से। ठीक है, अब ये देखें, ये एक पेज डिजाइन है आपके सामने, एक पेज डिजाइन नजर आ रहा है। इसमें उसने वुमेन लिखा है और मैन लिखा है। इसको भी तो वो बोल्ड कर सकता था, कुछ बड़ा करके दिखा सकता था, जैसे ये वाला उसने बड़ा बड़ा करके यहाँ पे फॉन्ट यूज किया है। ठीक है, ओवरऑल एक पॉइंट आपको जरा मैं क्लियर करवा दूं। आगे चलते हैं, मजीद देखते हैं। हमने जरा उसको ओवरव्यू की फॉर्म में लेकर आना है, एक एग्जाम्पल्स बोल्ड भी लिखा हुआ है किसी जगह पे। ये देखो, इधर आओ, ये देखो। अब ये एक मेन टेक्स्ट है इस वेबसाइट का, एक मेन टेक्स्ट है, इन 2 डेज रिन्यू। ठीक है, इस वेबसाइट का एक मेन टेक्स्ट है, सेंटर में लिखा है। इसको भी वो बोल्ड एंड प्रोमिनेंट कर सकता है, क्यों नहीं किया। अब सोचे ये बात थोड़ी सी सही होगी और बिल्कुल अच्छी कही कि फॉन्ट्स एक तरह से आपके बिजनेस का नेचर भी बताते हैं, फॉन्ट्स आपके मूड को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए फॉन्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। फिटनेस के जो वेबसाइट थी, जो जिम से रेलिवेंट वेबसाइट थी, उसका जो मेन टेक्स्ट था उसको बोल्ड या हैवी या बल्कि फॉन्ट यूज करने का लॉजिक ये था कि वो स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मस्कुलर बॉडी, जो एनर्जी, जो एक्सरसाइज आप करते हो वो उस स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये जो हम इस तरह से फैशन या जो वुमेन रेलिवेंट ब्रांड्स को यूज कर रहे हैं उनके केसेस में हम लाइट फॉन्ट्स यूज कर रहे होते हैं। मुझे जरा कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है, यहाँ पे आवाज क्लियर है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात बताइएगा। आवाज क्लियर है, मैंने स्क्रीन ऑफ की हुई है, वॉइस क्लियर है, समझ लगी है बात की। फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ आप गौर से। अब आपको पता चल गया कि ये जो चीज है ये कुछ और है, यहाँ पे हम फॉन्ट्स की सिलेक्शन हमारी कुछ और होगी। ठीक है, फॉन्ट्स जो है हमारे पास बिजनेस टू बिजनेस वेरी करते हैं। अब थोड़ा सा एक और चीज को समझिएगा, स्क्रीन ऑफ कर दूं, स्क्रीन ऑफ करके बताने लगा हूं कि वेबसाइट्स के अंदर सुनिएगा, अब इस बात को गौर से सुनिएगा कि हमने जो डिजिटल स्क्रीन डिजाइन करनी है, वो ख्वा मोबाइल ऐप डिजाइन हो, वेबसाइट डिजाइन हो, आपके पास कोई भी मोबाइल ऐप डिजाइन आपके मोबाइल में है, कोई भी मोबाइल आपके मोबाइल ऐप जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल है, पहले नंबर पे हमने कोई भी डिजिटल स्क्रीन हो उसमें वेबसाइट भी आ जाती है, मोबाइल ऐप भी आ जाती है, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन भी आ जाती है, कुछ भी इस तरह से आ जाता है, उसके अंदर जो टेक्स्ट वाला फॉर्म पार्ट यूज हो रहा होता है,
जो टेक्स्ट रीडेबिलिटी वाला काम यूज हो रहा होता है वहां पे जो फॉन्ट यूज होगा उसके एजिस नहीं होंगे, विदाउट एजिस वाला फॉन्ट यूज हो रहा होता है। आप अभी ये जो क्लास देख रहे हो, इस क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स के कमेंट नजर आ रहे हैं, आप देखोगे ये जो फॉन्ट यूज हो रहा है उसके एजिस नहीं है। फेसबुक के ऊपर जो फॉन्ट यूज किया जाता है वो विदाउट एजिस वाला है। आपके मोबाइल में कम से कम कोई 25-30 एप्स इंस्टॉल होंगी डिफरेंट टाइप की, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके देख लो उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा होगा उसके आपको एजिस नहीं मिलेंगे, उसके अंदर उस फॉन्ट के एजिस नहीं मिलेंगे, सिंपल फॉन्ट होगा। अब जिस समझ नहीं आ रहा मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये देखो ये फेसबुक एक वेबसाइट है ना, तो इसके ऊपर ये टेक्स्ट शो हो रहा है ना, ये डिफरेंट टेक्स्ट लिखे ना, ये जैसे ये इसने टेक्स्ट लिखा आ रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ डिजाइनिंग वेब पेज, तो इट सेल्फ ये फॉन्ट कौन सा है मुझे बताओ, ये जो फॉन्ट सेलेक्ट किया इसके एजिस नहीं है, इसके ये जो एजिस निकले होते हैं ठीक है वो नहीं है, सेरिफ विदाउट सेंस सेरिफ, ठीक है ये तो विदाउट एजिस वाला फॉन्ट है। तो मैं वही बात आपको बता रहा हूँ कि डिजिटल स्क्रीन के लिए, डिजिटल स्क्रीन जैसे मोबाइल या लैपटॉप के ऊपर जो भी आप डिजाइन देखोगे, जो भी आप चीज देखोगे, एक्चुअल में उसके फॉन्ट्स के एजिस नहीं होंगे। अब आप अपना मोबाइल ओपन कर लो, ठीक है, उसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल देख लो, यूट्यूब, फाइबर, व्हाट्सएप, स्नैपचैट या कुछ भी, इस तरह से आपको उसके एजिस नहीं मिलेंगे। किस केस में नहीं मिलेंगे, जहां पे सिंपल टेक्स्ट यूज करना होगा। तो हमें यह पता चला कि हमने जब कोई एक वेबसाइट डिजाइन करनी है, उस वेबसाइट डिजाइन के अंदर ये जो हमारे पास इस तरह से ये उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही होगी, ये वाला जो पार्ट आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन, ये जो डिटेल्स वगैरह चीज आ रही होगी, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट यूज करना है उसके एजिस नहीं होने चाहिए, जहां पे ये लॉग इन रजिस्टर्ड आ रहा है उसके एजिस नहीं होने चाहिए। ये बात क्लियर हो गई, ये सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि विदाउट एजिस वाला फॉन्ट यूज करना, कौन सा यूज करना है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, आप कोई भी लगा सकते, लेकिन फॉन्ट इस तरह का यूज होगा। इतनी बात क्लियर है कि एक वेबसाइट है, मोबाइल ऐप डिजाइन है, उसके अंदर जो सिंपल टेक्स्ट है जहां पे भी ये लॉग इन बटन प्ले या डिस्क्रिप्शन है, डिटेल्स है, फॉन्ट कोई भी है उसके एजिस नहीं होंगे, बस सीधी सीधी रूल है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा आगे ये मैं चल के बता रहा था कि अगर हम वही वेबसाइट के अंदर जो उसकी मेन हेडिंग होगी, जिस तरह से ये वेबसाइट डिजाइन है, ये तो इसका टाइटल, ये कंटेंट आ गया ना, उसकी जो मेन टेक्स्ट है सेंटर में जो भी आपको मेन टेक्स्ट दिखने को मिल रहा है, ठीक है, अब उनके अंदर क्या चीज होगी कि वो कुछ बोल्ड भी हो सकते हैं एजिस वालों की, तो ये एक लॉजिक तो समझ लग गया कि इस केस में इस तरह से, लेकिन जो अब बिजनेस टू बिजनेस डिफरेंट कंटेंट होगा वो, ये देखो ये बहुत ज्यादा बोल्ड फॉन्ट यूज किया गया, ये मैप्स लिखा है ये बोल्ड फॉन्ट यूज किया गया, अब ये बॉडी फिटनेस है ये बोल्ड फॉन्ट यूज किया गया, लेकिन अगर हम फैशन से रेलिवेंट कोई भी कंटेंट देखना शुरू करते हैं, ठीक है, ओवरऑल आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अब आपको ये एग्जैक्ट, अब ये फैशन से रेलिवेंट है, इसके मेन्यू के अंदर वही विदाउट एजिस वाला फॉन्ट यूज किया गया, लेकिन इसने ये जो लिखा है बेस्ट ऑन हाउस उसको एजिस वाला फॉन्ट दिखा दिया, ठीक है। अब ये एक स्पेशल टाइटल के तौर पर उसने ये फॉन्ट यूज किया है, उसने पूरी वेबसाइट में वो फॉन्ट यूज नहीं किया, उसने सिर्फ इस सेक्शन में यूज किया। नेक्स्ट चलते हैं बात को मजीद देखते हैं, ठीक है। ये देखो मैंने आपको क्या बोला कि वेबसाइट कोई भी डिजाइन करनी है उसके अंदर जो भी फॉन्ट यूज करेंगे उसके एजिस नहीं होने चाहिए, जैसे ये होम, कैटलॉग, न्यू ट्रेंड, ब्लॉग लिखा है, ओके फाइन। लेकिन अब यहाँ पे ये इनका एक मेन मैसेज है, एक टाइटल है, एक टैगलाइन है, फैशन से रेलिवेंट था उसने स्टाइल चेंज कर दिया यहाँ पे सिर्फ इस एरिए में, बाकी कंटेंट उसका चेंज है। तो ये बिजनेस टू बिजनेस आपका जो मैसेज आपने कन्वे करना होता है उसके मुताबिक आपका यहाँ इस एरिए में फॉन्ट चेंज होता है, ओवरऑल आपका जो है उस वेबसाइट के अंदर या मोबाइल ऐप के अंदर फॉन्ट विदाउट एजिस वाला रहता है। इस बात की समझ लगी है या नहीं लगी, इस बात की समझ लगी है या नहीं लगी,
जी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है मैं इनको देख लूँ। ठीक अच्छा यहाँ पे सवाल है कि व्हाई मोस्टली डिजाइनर्स प्रेफर गूगल फॉन्ट्स इन यूआई। मोहम्मद सुबैर, ये जो गूगल फॉन्ट्स है इसके नंबर वन तो ये चीज़ है कि इजी टू एक्सेसिबल है, ठीक है आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। अगर मैं कुछ स्पेसिफिक या कोई प्रीमियम या कोई पेड फॉन्ट लगा देता हूँ, ठीक है, तो उसके असेस करना, फाइंड करना, बाय करना, उस पर थोड़ा सा मसला आ रहा था, और इसमें कोई इशू नहीं है। ये जो सवाल है सर, आप रीज़न बता दें, ये जिसका भी यूज़र नेम है मुझे एक तो शो नहीं हो रहा, दूसरा आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्या रीज़न? सर साईफाई या फैंटेसी थीम में कौन सा फॉन्ट यूज़ होगा? ठीक है, साइंटिफिक जो फॉन्ट, जो साइंटिफिक जो वेबसाइट होगी उसके अंदर जो आपको जो फॉन्ट वैसे दिखने को मिलेगा वो एजिस वाले स्टाइल में आएगा। अब आपको पता चले ना मैं किस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये स्पेसिफिक जस्ट पॉइंट आउट करने की, बाकी ओवरऑल फॉन्ट नहीं वैसा यूज होगा। स्पेसिफिक जो मैसेज कन्वर्ट आपने करना है, ठीक है, उसमें आपको एजिस वाला मिलेगा, और जो फैंटेसी स्टाइल का होगा उसमें आपको स्क्रिप्टिव स्टाइल का फॉन्ट मिलेगा, ठीक है, स्क्रिप्टिव स्टाइल का फॉन्ट आपको मिलेगा। सर हेडिंग और टाइटल पे यूज कर सकते हैं एजिस वाला फॉन्ट? हेडिंग से क्या मुराद है? वो जो उसका मेन्यू बार आ रहा है, कौन सी हेडिंग? ठीक है, एक हेडर के अंदर जो ऑप्शंस आ रहे होते हैं उनमें नहीं करना, जो मेन आपने टाइटल या कुछ स्लोगन होगा उसमें ये चीज की सिलेक्शन आ रही होती है, ठीक है। अब फॉन्ट सीक्वेंस कैसे देखेंगे? ठीक है, आगे आपने कोई वर्ड यूज किया है, उस पता नहीं क्या लिखा हैडिंग का और लोगो का, क्या कहना चाह रही हो? सर ये चॉइस तो क्लाइंट की होती है, अगर वो इमेज ऐड करवाना चाहेगा तो वो ये कह सकता है कि फॉन्ट आपने ज्यादा बोल्डिश यूज नहीं करना, अगर तो उसने इमेज ऐड नहीं करवानी तो वो कह सकता है कि टेक्स्ट या वेबसाइट को कवर करना चाहिए या इमेज तहरीर। क्लाइंट एक हद तक इसमें सजेशन दे सकता है, लेकिन फाइनल तो आप ही सजेस्ट करोगे ना कि क्या चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है। स्पेशली जो वेबसाइट डिज़ाइन है और मोबाइल ऐप डिज़ाइन है इसमें डिज़ाइनर्स की वैल्यू ज़्यादा कंसिडर की जा रही होती है, क्योंकि आपने उसको बताना है कि जो चीज़ सूटेबल है और जो चीज़ सही है, ठीक है। ओके अगर हम बच्चों के लिए कुछ डिज़ाइन करते हैं कलर बुक से रेलिवेंट तो उसमें कौन सा फॉन्ट आएगा? खदीजा एजाज, उसके लिए एक बोल्ड फॉन्ट यूज होगा, राउंड एजिस वाला फॉन्ट यूज होगा। इसको साथ साथ ना टेस्ट भी करते जाओ, ठीक है। यहाँ से हम लिख देते हैं किड्स वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है, किड्स वेबसाइट डिज़ाइन जो है मैंने ये देखो अभी मैंने एक वर्ड यूज किया है बोल्ड फॉन्ट यूज होगा और थोड़ा सा राउंड होगा, समझ लग रही है बात की? बोल्ड फॉन्ट और राउंड, ठीक है, और जाहिर सी बात है ये लो ये देखो ये डे केयर लिखा है ना, ये बोल्ड भी है और ये राउंड है, इसके एजेस जो देख रहे हैं ना राउंड है आगे से, फुली शार्प नहीं, जहाँ पे ये फन केयर लिखा आ रहा है बोल्ड है और राउंड है, समझ लग रही है इस बात की? ओके अब दूसरी ये बात है, लोगो क्रिएटर से लोगो रहने से कॉपीराइट क्लेम तो नहीं आ सकता, आ सकते हैं जी, वो तो ऐसे प्रैक्टिस के लिए है। सर जब हम फाइवर से पेनियर में पैसे भेजते हैं तो उस पर भी कोई अमाउंट डिडक्ट होती है? मैंने फाइवर से पेनियर में भेजे तो $3 डिडक्ट हुए हैं, फिर जैस कैश में भेजे तो $2 कनेक्ट हुए हैं, ये जो भी डिडक्शन हुई है सही हुई है, ऐसे ही होता है। जिन फॉन्ट्स में बॉडी वेट नहीं होता लाइक बोर्ड रेगुलर सेमी बोर्ड वो यूज नहीं कर सकते? मोहम्मद जुबैर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर जैसे एक वेबसाइट में डिफरेंट फॉन्ट यूज किए थे तो उसका पूछ रही थी कि फॉन्ट का सीक्वेंस कैसे दिखेंगे, पैराग्राफ्स का और हेडिंग्स का या लोगो का? अच्छा ये एक सवाल है गालिया रियाज का, ये सवाल है कि हमारा फॉन्ट का, अच्छा ये हमें समझ लग गई, गालिया ये कहना चाह रही है कि ठीक है हमें ये पता चल गया कि कब कौन सा फॉन्ट लगाना है, अब ये बताएं कि फॉन्ट का सीक्वेंस कौन सा होगा, हेडिंग में किस तरह का फॉन्ट आएगा, पैराग्राफ में कौन सा आएगा, टाइटल में कौन सा आएगा।
इसका एक जनरल एक सिंपल सा है कि जो टेक्स्ट रीडेबिलिटी में आ रहा होता है ना, ये जो टेक्स्ट आपने रीड करना होता है, अब बात हो रही है ये वेबसाइट्स के ऊपर, ठीक है। जो सिंपल आपने पता है कि ये मैसेज पढ़ना, जैसे ये आप लोगों का ये कमेंट है, ये आप मैसेज, ये कमेंट है ना, मैसेज ये कमेंट सेक्शन है, तो इसके अंदर जो भी कमेंट होगा इसका प्योरली पर्पज है ये टेक्स्ट रीड होगा, ठीक है। तो इस सेक्शन के अंदर जो फॉन्ट आप यूज कर रहे होते हैं ना, जो फॉन्ट का साइज या हाइट या विड्थ, हाइट यूज हो रहा होता है तकरीबन वो 12, 14, 16 यूज हो रहा होता है, एक एवरेज आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा ये बात है कि अगर आप मुझे कहेंगे ना अच्छा सर ये ठीक है, अब आप हमें ये बता दें कि यहाँ पे ये जो मैंने मिरर लिखा है इस टेक्स्ट का क्या साइज होगा, ठीक है, या ये जो फिटनेस कोच लिखा है इस टेक्स्ट का क्या साइज होगा, तो ये डिफाइन नहीं है, ये आपके टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये फिटनेस कोच 2 लाइंस में लिख दिया तो साइज बड़ा है, अगर ये 1 लाइन में इस तरह से लिखा आएगा तो ये साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये एक आपको सजेशंस मैं दे सकता हूँ, एक सजेशन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो फिटनेस क्लब लिखा है ना और उसके बाद लिखा है नो पेन नो गेन, ये एक आपको सजेशन है या एक टिप है कि जो फिटनेस क्लब का फोंट का साइज है ना, नो पेन और नो गेन का फोंट का साइज यूजली या एवरेज कह लो हाफ होगा, ये लिखा आ रहा है ना फिटनेस क्लब और नीचे आ रहा है नो पेन नो गेन, इस फॉन्ट और इस फॉन्ट का साइज आपस में हाफ होगा, मतलब उसका अगर साइज आपने 80 पॉइंट रखा है तो नीचे वाले का 40 पिक्सल होगा। ये आपको एक सिंपल सा आइडिया मैंने दे दिया है, बिटवीन टू हेडिंग्स, दो हेडिंग्स के दरमियान में फॉन्ट का साइज आप इस तरह से सेट कर सकते हो, ठीक है, दो डिफरेंट हेडिंग्स के दरमियान आप फॉन्ट का साइज इस तरह से सेट कर सकते हो। ये बात समझ लगी है कि कोई समझ नहीं लगी? अच्छा, स्क्रीन विजिबल नहीं थी, अब मुझे पता चल गया स्क्रीन विजिबल नहीं थी, लेकिन सुन के बाद की समझ लगी है या नहीं लगी, इस बात की समझ लगी है कि नहीं? अब मैं इस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। अच्छा, बात की समझ नहीं लगी, मैंने आपको ये बोला है कि जो फॉन्ट होता है, जैसे कि ये एक फॉन्ट है, कहाँ पे गया, मैंने एक यहाँ पे कोई एक एग्जाम्पल ओपन की हुई थी, ठीक है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब कोई भी आपके सामने ये देखो, एक तो ये पता चल गया कि जो रीडेबल टेक्स्ट है उसका फॉन्ट का साइज तकरीबन 12, 14, 16 के अराउंड एग्जिस्ट कर रहा होता है, जो प्योरली रीड करने का लॉजिक होता है, मतलब कि ये पढ़ा ही जाना है, इसका पर्पस पढ़ना है। और जब ये बात आ जाती है हेडिंग से रेलिवेंट, तो मैंने ये बोला है कि अगर ये फिटनेस क्लब 1 लाइन में लिखा है ना तो इसका साइज इस तरह से है, अगर मैं इसको 2 लाइन में ब्रेक कर दूंगा तो इसका साइज मजीद बड़ा हो जाएगा, ठीक है। थर्ड चीज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये एक हेडिंग है ना फिटनेस क्लब, और उसके बाद एक सब हेडिंग आ रही है, एक हेडिंग है और हेडिंग के बाद एक सब हेडिंग आती है, ठीक है, हेडिंग के बाद एक सब हेडिंग होती है, और उसके केस में मैंने ये बोला है कि जब भी हेडिंग के बाद सब हेडिंग आ रही हो तो सब हेडिंग का फॉन्ट का साइज जो भी आपकी हेडिंग है उससे हाफ होगा, जो भी आपकी हेडिंग का साइज है उससे हाफ कंसीडर हो रहा होगा, ये एवरेज हाफ होता है, ठीक है। ये इस बात की समझ लगी है कि नहीं लगी? अच्छा, फर्ज करो कि ये एक टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, ये फिटनेस क्लब लिख दिया और उसके नीचे आ गया आपके पास क्या था, नो पेन नो गेन, कुछ इस तरह से ये टेक्स्ट लिखा आ रहा था कि नो पेन नो गेन, ठीक है, ये उसके अगर सब टाइटल है, तो मैंने ये आपको ये बोला है कि ये एक तो ये कुछ इस तरह से आ रहा होगा 100 पॉइंट्स में आ रहा होगा, दूसरा अगर ये एक्स्ट्रा बोल्ड है या बोल्ड है तो उसमें भी डिफरेंस रखेंगे, अगर वो लाइट है तो रेगुलर में ले आएंगे, अगर रेगुलर है तो उसको सेमी बोल्ड में ले आएंगे, अगर बोल्ड है तो उसको एक्स्ट्रा बोल्ड में ले आएंगे, यहाँ पे मैं कर दूंगा मीडियम, ठीक है, समझ लगी है? बाकी इसको आपने जिस भी तरीके से सेट करना है आप इसको कर सकते हो, ठीक है, इनमें स्पेसिंग वगैरह आपने बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हो, सेम चीज यहाँ पे की गई है, फिटनेस क्लब लिखा है, नो पेन नो गेन लिखा है,
और जो टेक्स्ट साइज डिफरेंस है वो आपको बता रहा हूँ, वो कुछ इस तरह से है। अगर इसका साइज मैंने 200 रखा है, ये 200 पॉइंट है, तो इसका नीचे वाले का पॉइंट है 100, ठीक है, ये लिखा आ रहा है 100। ये ऊपर वाला एक्स्ट्रा बोल्ड है, तो एक्स्ट्रा बोल्ड के देर बाद आता है बोल्ड, फिर आता है मीडियम, ठीक है, तो ये मैंने मीडियम सेलेक्ट किया है, ठीक है। अगर आप इसको मजीद चेंज करना चाहो तो वो भी हम कर सकते हैं। तो अब ये लिखा सही लग रहा है कि ठीक है, ये मेन है और इसके बाद ये सब एडिंग है। अब बात की समझ लगी है कि नहीं लगी? समझ लग रही हैडिंग्स किस तरह से रखनी है, यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट है, जो आपके पास ये कंटेंट है, उसका साइज किस तरह से रखना है। ये देखो, ये लिखा था ना, फाइंड द परफेक्ट फ्रीलांस सर्विस, ये कल का लिखा हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं इसमें चेंजिंग किया, एज इट इज पढ़ा था। इसका साइज है 48, ये 48 पॉइंट था, और जो मैंने इसके नीचे जो टेक्स्ट एज इट इज ऐड कर दिया विदाउट उसमें बस उसको एडजस्ट वगैरह किया, ये तकरीबन 20 है, अराउंड उसके हाफ के बराबर। और ये जो मैं बात बता रहा हूँ हाफ होना चाहिए, ये किसी जगह पे फिक्स पॉइंट नहीं है, किसी जगह पे ये लिखी हुई बात नहीं है कि साइज हाफ ही रखना है। माइनर सर बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, एवरेज आप उसको नोट करके देखोगे ना डिफरेंस इसमें और इसमें कि कहाँ पे फिट बैठ है, वो आपको हाफ लगेगा। ओके, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि फॉन्ट्स के मीनिंग भी होते हैं। मीनिंग से मुराद है मूड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं फॉन्ट्स, आपके स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, फॉन्ट्स आपके मूड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मसलन एक बात, बोर तो नहीं हो रहे मसलन, वो जेहन में ये आ रहा होगा कि ये आज क्या शुरू कर दिया, ये फॉन्ट्स फॉन्ट्स ही करते जा रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे? आप में से कुछ मतलब बोर हो रहे? तो समन कदीर, यस सर, मतलब बोर हो रही हो, क्या कहना चाह रहे? अच्छा, फॉन्ट्स जो है ना वो आपके मूड को रिप्रेजेंट करते हैं। मसलन आप ये चीज देखिएगा, आप गौर से देखिएगा, आपने मसलन एक एक स्टूडेंट है, उसने अच्छा आप पहले मेरी बात सुन लें, ठीक है। फॉन्ट्स आपके ना मूड को रिप्रेजेंट करते हैं, मसलन आप अपने ठीक है कि एज फेलो दोस्त को बुलाना चाहोगे, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मेरी बात सुनिए कि आपने अपने मसलन एज फेलो फ्रेंड को बुलाना है, ठीक है, तो आप बिल्कुल बड़े फ्रेंडली तरीके से उसको आवाज देंगे, हेलो हाय मसलन, या आप उसका नेम भी ले सकते हो, ठीक है। दूसरे केस में ये है कि आपने बुलाना है किसी अपने से बड़े बंदे को, एज से जो, अच्छा मेरी तो सुन ले, आप कमेंट्स करते जा रहे हैं, मैं फिर रुक जाता हूँ कि पता नहीं अब क्या सवाल आ गया। दूसरे केस में आपने अपने से बड़ी एज के बंदे को बुलाना है, तो आप उसको कहेंगे मसलन, आपके बात करने का तरीका, मुखातिब होने का तरीका डिफरेंस होगा, ठीक है, आप नेम नहीं लोगे, ठीक है, आप किसी और अच्छे अदबन वर्ड यूज करते हुए उसको मुखातिब करेंगे। सेम अगर आपने किसी अपने से छोटे बच्चे को बुलाना है, ठीक है, किसी छोटे पर्सन को बुलाना है, ये बच्चा है जो छोटा है, एज में डिफरेंस कम है, तो आप उसका नेम भी ले सकते हो, ठीक है, एक स्माइल पास भी कर सकते हो उसको बुलाने के लिए, ठीक है। और सेम अगर आपने अपने किसी यूनिवर्सिटी के क्लास फेलो को बुलाना है, तो आपके बात करने का तरीका कुछ और होगा, और अगर वही आपका कोई क्लास फेलो आपका रूममेट भी हो यूनिवर्सिटी के अंदर, मसलन वो हॉस्टल्स के अंदर भी कोई आपको इस तरह से मतलब रूममेट भी हो, तो आपका बुलाने का तरीका बिल्कुल ही बेतकल्लफ सा होगा, जिसके साथ आप कह लो कि पिछले 4 साल से खज्जल ख्वार हो रहे होंगे, तो आपको मुखातिब करने का तरीका डिफरेंस होगा। एक ही बंदा है, देखे एक बंदा है, वो अपने घर में बात किसी और लहजे में करता है, अपने से छोटे बच्चे के साथ और लहजे में बात करता है, अपने से बड़े के साथ और लहजे में बात करता है, अपने दोस्त से बात करने का तरीका हो रहा है, टीचर से बात करने का उसका तरीका हो रहा है, वर्डिंग भी सेम ही लाइन उसको दे दो, टीचर से वो और तरह से बात करेगा, यूनिवर्सिटी का जो उसका हॉस्टल फेलो है वही वर्डिंग वही लाइन वो किसी और लहजे में उसके साथ बात करेगा, ठीक है। तो ये जो बात करने के लहजे हैं, इस ये इन शॉर्ट ये समझ लो ये फॉन्ट स्टाइल्स हैं। मसलन
मूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कंटेंट की नोयत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कितना सेंसिटिव है, कितना सीरियस है, कितना हैप्पी है, कितना उसको सैड है। ये फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं उसके, जो लहजे चेंज होते हैं ना आपकी जो बात करने के, सेम आप ये काम करोगे वेबसाइट डिजाइन में या सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन में या कोई भी चीज जिसके अंदर आपने फ़ॉन्ट यूज करना है। ठीक है, उसके अंदर जो फ़ॉन्ट की सिलेक्शन आपके उस मोड को और आपके उस मैसेज को रिप्रेजेंट करेगी, आपने किस तरह का फॉन्ट लिख दिया। सर गेस्टर्स पोस्टर्स चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू रिलेशंस, लेकिन आवाज जो राइट नो हम फॉन्ट्स के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, जब ये गेस्टर्स पोस्टर्स में वो कलर स्कीम्स और बाकी चीजों को रिलेट करना शुरू कर दूंगा, लेकिन अभी जो कहना चाह रहा हूँ कि आपका लहजा जो चेंज होता है, मैसेज वही होता है, इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो आप लोग? अब पता चाह रहे हैं कि ये फॉन्ट से क्या मुराद है, कि कब कौन सा फॉन्ट लगाना हैप्पीनेस को दिखाने की, शो करवाने के लिए, गुस्से को बताने के लिए, दिखाने के लिए? अब पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओके, अब ये बात आ गई, तहरीम आसान कह रही है कि टारगेट ऑडियंस भी तो मैटर करती है। बिल्कुल वही तो कह रहा हूं कि जब आपने कोई एक चीज बनानी है किसी बच्चों के लिए, आप स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, मसलन आप एक वेबसाइट के ऊपर किड्स के लिए कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, गेम्स भी उसी में आ जाएंगी, तो उसमें आपके फॉन्ट सिलेक्शन ये देखो, ये फॉन्ट्स यूज किए गए हैं, ये किड्स से रेलिवेंट है। ठीक है, अगर आप ये टारगेट ऑडियंस आपकी यहाँ पे चेंज हो गई, ये फिटनेस है, इसी तरह से कोई मेडिकल से रेलिवेंट होगा, फॉन्ट सिलेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पे मैं लिख देता हूं, ये देखो, एक लाइन मैं लिखता हूं, आई विल वेट, ये मैंने एक लाइन लिख दी। ठीक है, ओके, ये मैंने इसके कलर ऐड कर दिया और इसका मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, सेम ठीक है, इसको मैं अब सेलेक्ट करता हूँ और यहां से मैं कोई फॉन्ट चेंज कर देता हूँ इसका, ये लो, से हो जाएगा। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, इसी का एक और कॉपी जनरेट करता हूँ यहाँ पे, और इसका फॉन्ट जो है मैं चेंज कर देता हूँ। अब मुझे ये एक बात बताइएगा, गौर कीजिएगा, इन दो चीजों पे गौर कीजिएगा, मैसेज एक ही है, मसलन टेक्स्ट एक ही है, कंटेंट एक ही है, इधर देख रहे हो बात, गौर से देख रहे हो कि नहीं? आई विल वेट, ये ऊपर वाली जो लाइन है इसका क्या मीनिंग आ रहा है, और जो नीचे लिखा आ रहा है इसका क्या मीनिंग आ रहा है, बताइएगा, शाबाश, कहाँ पे गए हो? ठीक है, इस बात की समझ लग रही है कि नहीं? ऊपर जो मैंने लाइन लिखी है आई विल वेट, ये क्या मैसेज दे रही है, ये जो लाइन लिखी है मसलन आई विल वेट या कुछ भी है, वेट फॉर यू, ठीक है, आई वेट फॉर यू या आई विल वेट या वेट फॉर यू, कुछ भी इस तरह से लिख दो। सेकंड वाला जो है वो हॉरर है, थ्रिलर है, मसलन के डेंजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ऊपर वाला है वो आप कह लो कि एक सॉफ्ट सा मैसेज है कि मैं इंतजार करूंगा, किसी भी एक अच्छे साइन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ लग रही है कि फॉन्ट सिलेक्शन कितना मैटर करता है? अब आप कोई एक वेबसाइट ऐसे बना रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर आपने मैसेज ऐसा देना है, तो आपका फॉन्ट सिलेक्शन इस तरह से होगा,
ये कोई ग्रंज स्टाइल का फॉन्ट है, ठीक है। ये ऊपर वाला फॉन्ट ये सिंपल कर्सिव बोल्ड एंड कर्सिव फॉन्ट है, आप इसको यूज कर लोगे। क्लियर है बात, सिलेक्शन ऑफ फॉन्ट्स की समझ लगी है? क्यों, कोई समझ नहीं लगी अभी भी, कोई कह दे कि सर कोई समझ नहीं लगी, बस इधर उधर से चीजें गुजर गुजर गई हैं, ठीक है। पॉइंट समझ लग रही है कि किस तरह से बोलना है? अच्छा, अब यहां पर एक और चीज बात, एक लास्ट एक और पॉइंट आपको बता दूं, फॉन्ट का जी साइज मैटर करता है, फॉन्ट का साइज मैटर करता है, ठीक है। अगर मैं इसको ये टेक्स्ट लिख देता हूं, ठीक है, एक हायरार्की भी मैटर करती है, जो फॉन्ट का साइज होगा ना, मुझे बता दें अगर बोर्ड शोर हो रहे हैं तो, ठीक है। फॉन्ट जो आपने वेबसाइट के अंदर जो टेक्स्ट यूज करते हो, इसके अंदर फॉन्ट का साइज इटसेल्फ मैटर करता है, जितना मोस्टली जितना बोल्ड और जितना बड़ा साइज होगा वो पहले पढ़ोगे आप, आपकी नजर उसके ऊपर पहले जाएगी। सुन लो, जितना बोल्ड एंड बड़े साइज का फॉन्ट होगा वो उसके ऊपर आपकी नजर पहले जाएगी, ठीक है। जितना छोटा और थिन होगा उसके ऊपर आपकी नजर बाद में जाएगी, बेशक वो पूरी वेबसाइट के ऊपर किसी भी जगह पर लिख दिया या किसी भी जगह के ऊपर आपने किसी पोस्ट डिजाइन में लिख दिया है, ठीक है। ये चीज मैटर करती है। अभी मैं आपके साथ एक और स्क्रीन शेयर करता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, यहां से स्क्रीन शेयर कर देता हूं। ओके, अब यहाँ पे ये देखिएगा कि आपके सामने ना एक स्क्रीन शो हो रही है, और मैं इसको कुछ या ऐसे ले जाता हूँ। अब इसके ऊपर वो कह रहा है कि यू विल रीड दिस फर्स्ट, ये वो कह रहा है कि सबसे पहले आप ये वाला मैसेज पढ़ोगे। मैं नहीं कह रहा, आप खुद से देख, कहता फिर आप ये वाला पढ़ोगे, फिर आप देन दिस वन, कहता लास्ट पे आप ये पढ़ोगे, और एंड पे कहता ये आप टॉप वाला पढ़ोगे, एंड यू विल रीड दिस लास्ट, सबसे ऊपर वाली लिखी लाइन वो कहता है आप आखिर में पढ़ोगे। ये आप इमेज को खुद से डाउनलोड करके देख लो, गूगल पे लिखोगे ना यू विल रीड दिस, तो वो आपको खुद ब खुद इस तरह की इमेजेस आ जाएंगी। इन इमेजेस के अंदर कंटेंट इस तरह से डिजाइन किया गया, कहता है यू विल रीड दिस फर्स्ट, देन यू विल रीड दिस, देन दिस वन, एंड यू विल रीड दिस लास्ट। अगर हम इस पोस्ट का एनालिसिस करते हैं कि ये मैंने लास्ट पे क्यों पढ़ा, ये रियल में भी ऐसे होता है, पता ये चलता है कि सबसे बड़ा फॉन्ट एक जैसा है लेकिन इसका साइज बड़ा है, फिर उसके बाद ये उससे कम साइज का है, फिर ये उससे कम साइज का है, और जो टॉप है वो सबसे कम साइज का है, तो इसलिए ये लास्ट पे पढ़ा जा रहा है, ठीक है। समझ लगी है, फॉन्ट का साइज भी उस हिसाब से मैटर करता है, ठीक है। फॉन्ट यूजर की आई अटेंशन ग्रैब कर रहे होते हैं, इन्ना फ्लो जी बिल्कुल कर रहे होते हैं, क्लियर है। अब किसी का कोई टाइपोग्राफी से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में आ रहा हो, तो सर मुझे बता दें कि मेरे सेन में ये सवाल है, किसी के माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो तो वो पूछ सकता है। किसी के जहन में कोई सवाल है, कोई बात रह गई है तो वो पूछ ले। फॉन्ट से रेलिवेंट किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। एक्चुअल में आज आपकी आज ना आप लोगों की वो क्लास रिस्पॉन्सिव डिजाइन से रेलिवेंट ही होनी थी, बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कहा चलो इसको ना डाइवर्ट कर देते हैं, मतलब टॉपिक कुछ और रख लेते हैं। ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा टॉपिक था और इम्पोर्टेंट भी था, तो मैंने इसलिए इसको किया, अदरवाइज आपकी क्लास जो थी वो इसी से रेलिवेंट होनी थी, और इसको रिस्पॉन्सिव बनाकर वो लिंक्स करने थे जिसको हम अब नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ये यहीं से ही होगा, आपके पता नहीं आपके जहन में ये बात आई है या नहीं आई, लेकिन मेरे जहन में फिर भी था कि इनको ये करवाना है, तो वो इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दी, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसा सब टाइम ऐसा होता है कि डिफॉल्ट किसी फोन का साइज बहुत
कम होता है, मतलब बोल्ड या लार्ज करने के लिए साइज काफी ज्यादा साइज इंक्रीज करना पड़ता है। सर क्या इस तरह के फॉन्ट बोल्ड करके एज ए सबटाइटल यूज कर सकते हो? कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये फॉन्ट्स भी तो डिजाइनर्स ने बनाए होते हैं ना। अच्छा जी सर, ट्रेंड भी मैटर करता है फॉन्ट्स में? बिल्कुल करता है सर। गिग इमेज के लिए बेस्ट फॉन्ट कौन सा है बता दें? ये रहा काम का सवाल, बहुत ही काम का और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। गिग इमेज के लिए जो बेस्ट फॉन्ट है वो बता दें, बाकी सारा कुछ ठीक है। आपने जो कहा सही कहा, गिग के लिए बता दें। तो सुन लो, एक तो बोल्ड फॉन्ट होगा, एक सैंस सेरिफ होगा। विदाउट एजेस वाला फॉन्ट लगाओ, बोल्ड फॉन्ट लगाओ, एक मशहूर जमाना फॉन्ट है, ठीक है? ये वाला फॉन्ट है, ये मैंने अभी यहाँ पे यूज भी कर रहा हूँ, ठीक है? मैं अभी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ इसके, ठीक है? ये मैंने फॉन्ट का नेम लिख दिया है, बहुत ज्यादा बोल्ड नहीं है, लेकिन इसको आप अपनी गिग इमेजेस में यूज करोगे ना अच्छा रहेगा। स्क्रीन शेयर की जाए जी, अभी फॉरन स्टूडेंट के साथ हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ये रहा जी फॉन्ट, ये फॉन्ट जो है आपके लिए आसानी पैदा करेगा। इस फॉन्ट को यूज करते हुए आप कुछ भी लिख दो, आप लिख दो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, ठीक है? तो बोल्ड भी है और अच्छा भी है, इजी टू रीडेबल है, ठीक है? या आप इसको टू लाइंस में कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि अब आपने वो गिग इमेज इटसेल्फ किस तरह से डिजाइन की है, सही है? फिर इसमें थोड़ा सा आप स्पेसिंग काम कर सकते हो। तो मैं नॉर्मली ये वाला फोन रिकमेंड कर रहा था कि इस तरह से कोई यूज कर लो, बाकी और भी बहुत ज्यादा है, ठीक है? शायद आप यहाँ पे रोबोटो कह लो, ये लो, ये भी एक फॉन्ट है, लेकिन ऊपर वाला जो पर्सनली मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, मैं उसको यूज कर रहा हूँ, रोबोटो फॉन्ट है, ठीक है? और भी है, वरदाना है, रेलवे फॉन्ट है, पॉपिन फॉन्ट है, जिसका ये बार बार नाम ले रहे थे, ठीक है? सर एक वेबसाइट है और हमने ये पता हो कि कौन सा और किस साइज का फॉन्ट यूज किया गया है, वो कैसा पता चलेगा? वेबसाइट का नाम है व्हाट द फॉन्ट इज। अगर आप ये फाइंड करना चाह रहे हो कि इस डिजाइन में इस जगह पे कौन सा फॉन्ट यूज किया गया है, उसकी इमेज लगानी है, और वो खुद ब खुद वेबसाइट आपको बता देगी। वेबसाइट का नाम है व्हाट द फॉन्ट इज, व्हाट द फॉन्ट इज, ये वेबसाइट का नाम है व्हाट द फॉन्ट इज, व्हाट द फॉन्ट इज। इस वेबसाइट के ऊपर आपने इमेज को अपलोड करना है, वो खुद ब खुद सर्च करके बताएगी कि ये वाला फॉन्ट है, अगर हमसे परचेज करना है तो हमसे रब्ता कर लो, हम आपको दे देंगे। व्हाट द फॉन्ट इस वेबसाइट का नाम है, ठीक है? सर मैंने एक क्वेश्चन किया था कि फॉन्ट स्टाइल सेम होना जरूरी है हेडिंग एंड सब हेडिंग का। खदीजा इजाज, अच्छा ये एक सवाल आ गया कि क्या हमारा फॉन्ट स्टाइल सेम होना चाहिए, मसलन कि अगर हमने हेडिंग में एक फॉन्ट यूज किया है, सब हेडिंग में ये यूज करेंगे। अगर आप वेबसाइट्स के अंदर नॉर्मली आप कह लो कि मैक्सिमम दो फॉन्ट चेंज हो रहे होंगे, एक आप कोई हेडिंग के लगा लो, बाकी आप उसके अंदर बोल्ड, सेमी बोल्ड, रेगुलर, वो तो उसके डिफरेंट केसेस है ना, वो तो आप लगा सकते हो, लेकिन मल्टीपल फॉन्ट्स नहीं आपने यूज करना। दो लगा लो, हद तीन, लेकिन आई थिंक सो टू, दो फॉन्ट्स यूज हो रहे होंगे, इससे ज्यादा नहीं, एक फॉन्ट के साथ भी काम चल जाता है। ओके, हाउ टू सेलेक्ट फॉन्ट साइज फॉर डिफरेंट स्क्रीन्स। वसीम गिलानी साहब, वो साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है ना, मसलन आपका नाम वसीम गिलानी है, बड़े पेज पे लिखना है तो साइज बड़ा होगा, छोटी स्क्रीन पे लिखना है तो छोटा होगा, हेडिंग में देना है दो तरह से होगा, ठीक है? सर कोई कॉमन फॉन्ट नेम बता दें, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉन्ट्स हैं। वरदाना फॉन्ट, रिबोटो फॉन्ट, रेलवे फॉन्ट, ठीक है? एक 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 फॉन्ट यूजर होता है कैलिबरी फॉन्ट्स। फिर अगर आप, फिर मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके बताना स्टार्ट करूँगा। फिर मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ टाइप टूल में, तो यहाँ पे मुझे उनके नेम्स ज़्यादा मैं इजीली बता सकता हूँ कि ये फॉन्ट्स यूज हो रहे होते हैं, ठीक है? एक दिन किसी ने बहुत ज़्यादा शोर डाला था कि सर मेरे पास 2000 फॉन्ट्स हैं, मेरे पास इतने फॉन्ट्स हैं, तो दिखा देता हूँ, देने दोने कोई नहीं, मैंने पहले कह देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास भी एक फॉन्ट का फोल्डर है, कहाँ पे गया फाइवर,
यहाँ पे फॉन्ट्स के नाम से ये देख लो, इसको गिन लो, ठीक है, ये सारे फॉन्ट्स ही फॉन्ट्स हैं, इतने फॉन्ट्स हैं, इतने फॉन्ट्स हैं कि लाइन लगी पड़ी है। ये देख लो, ये 2200 यहाँ पे है। ये देखो, ये मैंने फोल्डर ओपन किया, मेरा लैपटॉप जो है ना वो स्लो होना शुरू हो जाता है, और मैं इनको इंस्टॉल नहीं करता, जरूरत नहीं पड़ती। ये फिर बाकी कुछ अलग से हैं, एक दो फोल्डर और भी हैं, ठीक है, लेकिन इतनी फॉन्ट्स कलेक्शन की आपको जरूरत नहीं पड़ती। आपको अच्छा नेम बताने लगा था, तो नेम्स के केस में अगर, तो देखो ये देखो, अब सफिया इरफान, अगर आपने ग्रंज फॉन्ट यूज करना है तो ये 28 डेज के नाम से एक फॉन्ट है, वो आप यूज कर सकती हो, ठीक है। अगर मैं इसी को सिलेक्ट करके नीचे करता हूँ, ठीक है, और आप कहते हैं कि हमें बताएं फॉन्ट्स, तो ये मेरे पास एक फॉन्ट है 28 डेज लेटर, ग्रंज फॉन्ट के तौर पर मैं मोस्टली ये यूज कर रहा होता हूँ, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि कोई सिग्नेचर फॉन्ट बताएं, तो उस फॉन्ट का नाम इटसेल्फ सिग्नेचर है, कहाँ पे गया सिग्नेचर, ठीक है, वो यूज हो रहा होता है। ये देखो ये फॉन्ट है, इस ये यूज कर रहा होता हूँ, कहाँ पे रह गया, फिर ही कर रहा होता है ना समटाइम्स मैसेज के ऊपर। अब ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ मैं यही फॉन्ट यूज करता हूँ, और भी बहुत ज्यादा है। फिर उसके अलावा अगर आप मुझे कहें कि रेगुलर फॉन्ट्स बताएं, तो उसके अंदर ये सीगो यूआई फॉन्ट भी यूज हो जाता है, ठीक है, कुछ के मैंने पहले नाम भी लिए हैं। आप मुझे यहाँ पे इनको स्क्रोल करके देखना पड़ेगा कि कौन कौन से यहाँ पे पड़ा हुआ है। टाइमलेस बोल्ड के नाम से फॉन्ट है, वरदाना फॉन्ट है जिसका मैंने पहले आपको बताया, कहाँ पे रह गए, एक फॉन्ट है उसका नाम थोमा है, ये रिबोटो के काफी ज्यादा इसमें पड़े हुए हैं, ये मोस्टली ये यूज कर रहा हूँ। रेलवे फॉन्ट है, रेलवे लिखना आपको आ जाएगा, पॉपिन फॉन्ट है, ठीक है, और उसके अलावा ये अडाप का एक फॉन्ट है जो बाय डिफॉल्ट यूज हो रहा है, माय रेड प्रो वो यूज हो रहा है, ठीक है। मोंटेरेस फॉन्ट है, ये भी वेबसाइट के लिए यूज हो रहा होता है, ठीक है। अगर आपने कोई बिल्कुल शार्प एजेस वाला फॉन्ट यूज करना है, तो वो फिर ये लेमन मिल्क फॉन्ट है लेमन मिल्क, ठीक है, इसका नाम है लेमन मिल्क, तो ये भी यूज हो रहा होता है। अगर मैं इसका साइज 200 लिख देता हूँ, ठीक है, ये एजेस वाला थोड़ा सा, ये भी आप यूज कर सकते हो। इस तरह से बहुत ज्यादा है, आप लोगों की सिंपल सी असाइनमेंट है, आप लोगों ने ये सर्च करना है कि टॉप 10 वेबसाइट डिजाइन फॉन्ट्स, ठीक है। अब यहाँ सर बटन्स में फॉन्ट साइज का कोई स्टैंडर्ड साइज, मोहम्मद जुबैर ये जो सवाल है ना, अब मसलन आप पता नहीं आप लोग पॉइंट पिक नहीं करते। ये देखो अब एक एक चीज देखना, ये एक पॉइंट जरा नोट करना और मुझे खुद इसके ऊपर जरा जस्टिफाई करके बताना कि किस तरह से स्टैंडर्ड साइज बटन का। तो थोड़ा सा मसलन एक बटन ये है, ये अब नोट करना, मसलन एक मोबाइल ऐप है जिसके यहाँ पे सेंटर में एक बटन आ रहा है बिल्कुल एक बड़ा सा कुछ यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, मसलन जिस तरह वो जैश कैश के ऊपर आ रहा होता है, कंटिन्यू का एक बटन आ रहा होता है, इस बटन के दरम्यान में जो टेक्स्ट लिखा जाएगा उसका साइज बड़ा होगा, ठीक है। एक बटन आप यहाँ पे ऐड कर देते हो छोटा सा करके ये वाला, ठीक है, अब इसके दरम्यान में जो टेक्स्ट लिखा होगा वो उसके मुताबिक होगा, ठीक है। अब आप एक यहाँ पे एक बाइनो का बटन लगा देते हो एक और बड़ा सा, इसके दरम्यान साइज और होगा, मतलब जितना बड़ा बटन का साइज हो उस हिसाब से उसका टेक्स्ट का साइज होगा। किस तरह से मैं आपको एक फाइनल वर्डिंग दे दूं कि ये साइज रखना, मसलन जैसे ये अनग्रुप करता हूं और इसमें देख रही हो, अब ये एक रजिस्टर्ड का बटन बनाया है और इस फॉन्ट का साइज यहाँ पे 19 लिखा है, और अगर यही आप कहें कि जी अच्छा जी यही जो रजिस्टर्ड बटन है इसका साइज हमें इस तरह से बड़ा कर दें, ठीक है, कुछ इस तरह से बड़ा कर दें, अब ये जो फॉन्ट का साइज है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 80 पर पॉइंट पे फिक्स हो गया, तो आपके वो उस प्लेसमेंट के मुताबिक हो सकता है, आप वैसे नहीं बता सकते। कस्टम फॉन्ट्स बनाने के लिए मलिक हसान एक आई थिंक कुछ सॉफ्टवेयर यूज हो रहा था, मैंने पहले भी शायद दिखाया, ये देखें कस्टम फॉन्ट डिजाइन एंटर, तो उसके अंदर इस तरह से आप प्रॉपर वो लाइंस वगैरह ऐड कर रहे होते हो, ठीक है,
फॉन्ट डिजाइन यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, आई थिंक जो कि एक सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाया जा रहा होता है, जिसके अंदर आप हर चीज डिफाइन करते हो कि कौन सी की के ऊपर कौन सा अल्फाबेट शो होगा, कौन सा नंबर शो होगा। आप खुद से इसको बनाने के बाद एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसको इस फॉन्ट इंस्टॉलेशन वाली फॉर्म में ले आते हो, ठीक है। जस्ट फॉन्ट डिजाइन करना है, जैसे ये फॉन्ट है, ये तो आप इलस्ट्रेटर में भी कर सकते हो, फोटोशॉप में भी कर सकते हो, लेकिन उसको जब आप फॉन्ट की फॉर्म में लेकर आओगे कि वो किसी और के लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाए, फिर आपको एक सॉफ्टवेयर है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी जो उसको इम्बेंड कर देगा आई थिंक सो। और रूज रियाज कह रही है कि हम फॉन्ट प्रीव्यू कैसे देख सकते हैं फिग्मा में, ये क्वेश्चन पहले भी था, ठीक है। और फॉन्ट को एडिट कर सकते हैं हम, फॉन्ट एडिट हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, अगर आप वो करवाना चाह रहे हो वो, आप उसको क्रिएट आउटलाइंस करके उसको आप एडिट कर सकते हो। आपके क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, समझ नहीं लगी। दानिश साहब क्या कह रहे हैं, अगर हम ट्रक और कार्स के रिलेटेड कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें भी बोल्ड फॉन्ट यूज़ होंगे? ट्रक के लिए बोल्ड फॉन्ट यूज़ हो सकता है, ठीक है, लेकिन कार के लिए, अब वो कार का कौन सा मॉडल है, किस तरह की कार है, स्पोर्ट्स कार है, ठीक है, मिनी कार है या कोई लग्जरी कार है, उस हिसाब से फॉन्ट की सिलेक्शन होगी फिर, ठीक है। ट्रक्स के लिए तो सिंपल आप बोल्ड हैवी फॉन्ट यूज़ कर लोगे, ठीक है। कौन सी टिप्स मोहम्मद उमर अजहर पूछे, सवा 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 जो एक पेज होता है जिसके अंदर नॉर्मली आपके पास 4 से 5 सेक्शंस आ रहे होते हैं, ठीक है। और मैंने सेक्शन की प्राइस आपको बताई थी कि तकरीबन $20 एक सेक्शन का आप चार्ज कर सकते हो। वेबसाइट का जो होम पेज होता है, एक बात गौर से सुन लीजिएगा, किसी भी वेबसाइट का जो मेन चीज़ होती है वो होम पेज होता है, और इसी तरह से किसी वेबसाइट का जो मेन चीज़ होती है, किसी मोबाइल ऐप की जो मेन स्क्रीन होती है उसकी होम स्क्रीन होती है। अगर एक क्लाइंट आपको कहता है ना कि मुझे सिर्फ वेबसाइट का होम पेज डिज़ाइन चाहिए, तो वो बाकी पेजेस की निस्बत आप 3 to 4 times ज़्यादा चार्ज करोगे। हो सकता है आप सिर्फ होम पेज का $100 चार्ज कर लो, और बाकी पेजेस का आप उसको कह दो कि $40, $30, मैं $50 पर पेज चार्ज करूंगा, ठीक है। लैंडिंग पेज क्या होता है प्लीज बता दें दोबारा से, एक तो अपना नेम ऑन कर दो। लैंडिंग पेज मसलन यहाँ पे एक आप एक वेबसाइट बनाते हो जिसके अंदर आपने बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स लगाई हैं, और उनमें से किसी एक प्रोडक्ट की आप एडवर्टाइजमेंट कर देते हो, गूगल एड्स पे लगा देते हो या किसी भी तरह पे उसको एड्स पे चला देते हो, और उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का जो पेज है ना उसका लिंक साथ एड्स में दे देते हो, तो जब कोई क्लाइंट उस एड वाले पेज पे क्लिक करेगा ना तो पूरी आपकी वेबसाइट ओपन नहीं होगी, सिर्फ वो ही प्रोडक्ट पेज ओपन होगा जिस चीज़ को आप सेल करना चाह रहे हो। उस पेज के ऊपर पूरी वेबसाइट की तरह लेआउट भी नहीं आ रहा होगा, लोगो वगैरह लिखा होगा, उस प्रोडक्ट की डिटेल्स होंगी लेकिन पूरी प्रोडक्ट पूरी वेबसाइट की डिटेल्स नहीं होंगी। तो उस स्पेसिफिक पेज को जिसके ऊपर क्लाइंट थ्रू एड्स या किसी लिंक के थ्रू क्लिक करके आए, और जिसका टारगेट एंड गोल ये होना चाहिए कि बंदा यहाँ से इसके ऊपर कोई चीज़ बाय करे या कोई एक्शन परफॉर्म करे, कोई फॉर्म फिल करे, तो उस पेज डिज़ाइन को लैंडिंग पेज कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। कहाँ से फ़ोन डाउनलोड करने हैं पूछें, हुजैफा नईम हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। मलिक हसान आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया, ठीक है। जी जिशान, हम भी क्लिक के बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे, जस्ट उसमें लिंक ही ऐड करना है और तो कुछ भी नहीं है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। ओके
यानी सर जी एक ऐप डेवलपमेंट और लैंडिंग पेज में जो ऑप्शन क्लिक वाले हैं वो सिखाएंगे? बिल्कुल, प्रोटोटाइपिंग इसी चीज का तो नेम है, उसमें यही कुछ तो करना है कि आप माउस ओवर करोगे तो क्या एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है, वो ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसी होगी, किसी चीज को एम्फसाइज करना, ठीक है, कोई लिस्ट बनाना, या किसी बटन पे प्रेस करके रखते हो उसका कलर चेंज करना, स्वैप करना, बिल्कुल प्रोटोटाइपिंग यही तो है, और क्या है उसमें, ठीक है। जी मैं अभी स्क्रीन भी शेयर करने लगा हूँ। अभी मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, आप बिल्कुल करने लगा हूँ, ठीक है। सर जो फोन हम लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं वो खुद ब खुद इलस्ट्रेटर में आ जाते हैं, इसी तरह हम फिग्मा में भी आ जाएंगे इंस्टॉल करने के बाद? जी बिल्कुल आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, कल हम वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे और जब हम डिज़ाइन बना लेंगे देन प्रोटोटाइपिंग बिल्कुल ऑफ कोर्स करेंगे, फिग्मा में भी करेंगे, एक्सट्री में भी करेंगे और अलग से एक सॉफ्टवेयर है उसमें भी करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।